नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग राहु केतु की ट्रांजिट की जो सीरीज थी उसकी आखिरी वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर रही हूं। और इसके बाद मैं बात करूंगी कि जो राहु केतु जो है उनके ट्रांजिट जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जनरल एक प्रेडिक्शन किया है जिसमें कि हमने कोई प्लैनेट या कोई उसको कंसिडर नहीं किया है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी वो इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी प्रॉपरली, और एक एक प्लैनेट को एक एक वीडियो में इंडिविजुअली आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग शुरू करते हैं कि राहु जो है, राहु केतु का ट्रांजिट जो है पाइसिस असेंडेंट के फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस में होने जा रहा है। राहु जो है वो उनके लग्न में आने जा रहे हैं, जबकि केतु जो है वो उनके सप्तम भाव में आने जा रहे हैं। तो राहु जब भी आपके लग्न में आते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो पैदा करते हैं किसी भी नेटिव के लिए। मतलब आप हमेशा आपके मन में दो थॉट्स रहेंगे, क्योंकि राहु जो है वो आपको चॉइस देते हैं कि या तो ये या तो वो। तो अब क्या है कि आप हमेशा कंफ्यूजन में ये 18 महीने रहेंगे। तो उसका सबसे अच्छा सलूशन क्या है कि आप जो भी आपके विश्वसनीय हैं, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक बार उनसे परामर्श जरूर लें, सलाह मशवरा कर लें, ताकि आप जो है वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ये टाइम पीरियड पर ले पाएं। देखिए उसके अलावा क्या है, जब राहु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा आप जो है वो ध्यान देते हैं। जिनका भी आप देखिए राहु अगर नेटल चार्ट है और उसमें राहु लग्न में है, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो हैं उनको प्रायः लोग जो है आसपास वो लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ही सेल्फिश है। हालांकि वो ना ये बात जानता है ना ये बात मानता है कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन एक्चुअली देखिए सेल्फिश होना भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका जो चार्ट है वही आपका पास्ट लाइफ की जो कुछ भी है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब पास्ट लाइफ में आपकी डिजायर थी अपने ऊपर ध्यान देने की। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने दूसरों के लिए जीवन जिया और खुद को जो है पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं आप देखिए जो है भाई दूसरों के लिए, सोशल कॉज के लिए अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस कर देते हैं। या बहुत दूर अगर हम ना जाएं, हम अपनी मदर्स को देखें तो वो कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करती हैं, अपने फादर को देखें तो वो कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये जो इच्छा उनके मन में जो रह जाती है कुछ लोगों की कि भाई मैंने पूरा जीवन इनके ऊपर निकाल दिया और अंत में जो है मेरे बच्चे या मेरे लाइफ पार्टनर इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया और मेरे को जो है इतना तिरस्कार किया, इससे अच्छा तो मैं अपने ऊपर काम कर लेता, बच्चों के लिए मैंने नौकरी छोड़ी, इससे अच्छा जो है मैं अपना फ्यूचर देखती, क्योंकि बच्चे जो है वो तो वैसे भी मुझको छोड़ के जो है दूर जाके सेटल हो गए। तो ये फीलिंग के साथ अगर किसी की डेथ होती है तो ये डिजायर उसके अंदर रह जाती है कि मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए था। तो जिनका नेटल राहु जो है वो लग्न में होता है तो ये लोग बहुत सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, अगर हम इन जनरल पब्लिकली बात करें तो। अदरवाइज वो अपने ऊपर काम करते हैं, तो काम तो वो भी कर रहे हैं। देखिए ये 18 महीनों में आप अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान देंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। वो बेटरमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, अपना पढ़ाई में हो सकता है, रिलीजियस चीज़ों को लेके हो सकता है, अपना जैसा आप दिखते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के भाई जो है मैं अब अच्छा दिखना चाहता हूँ, या मैं कोई नई चीज़ सीखना चाहता हूँ, कोई नई स्किल सीखना चाहता हूँ जिससे मुझे अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, या अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं आप कोई नया कोर्स जो है वो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं कि ताकि मुझे और बेटर जो है सैलरी और प्रमोशन मिल सके। क्योंकि राहु जो फर्स्ट हाउस में है तो 5 और 9 जो त्रिकोण बनता है 159 तीनों को इफेक्ट करेंगे। पांचवा घर हो गया आपका एजुकेशन वगैरह, और 9th हाउस हायर लर्निंग का हो गया, 9th हाउस धार्मिक चीजों का हो गया। तो ये चीजें आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि थोड़ा सा इस टाइम पे बढ़ गई हैं, और अच्छी चीज है ये 18 महीने आपको अपने ऊपर काम करने के लिए मिला है। अदरवाइज तो जो है लाइफ ऐसे ही आदमी जो है वो जी ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये टाइम जो है वो हाई टाइम है
पाइसीज लोगों के लिए, पाइसीज असेंडेंट के लिए, कि आप अपने खुद के बेटरमेंट के लिए काम करें, ताकि जब आप खुद अच्छे होंगे तभी तो आप समाज को, अपने परिवार को, दोस्तों को कुछ अच्छा दे पाएंगे। अगर आप खुद अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, खुद के अंदर आपके अंदर स्किल्स की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप उनको भी क्या ही दे पाओगे। तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है ये, और अच्छा ट्रांजिट है। मतलब आप जो है 18 महीने बाद जब आप अपनी पर्सनालिटी कंपेयर करोगे कि 1.5 साल पहले मैं कैसा था और 1.5 साल बाद मैं कैसा हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर, तो हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको विजिबल दिखे। मान लीजिए कि कोई ओवरवेट है, उस टाइम उसके मन में आए कि नहीं मेरे को जिम करना है, मेरे को डाइट करना है, और आफ्टर 18 मंथ्स आप वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बॉडी में देख सकते हैं। तो ये चीज राहु आपको अभी देने वाले हैं, तो कुल मिला के अच्छा है। लेकिन खराब चीज यही है कि कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, उसके लिए आप अपने बड़ों से परामर्श लें। देखिए स्पाउस की हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि 7वें घर में जो है वो केतु आ रहे हैं। केतु जब 7th हाउस में आते हैं तो सीधी सी बात है कि थोड़ा बहुत वो तनाव जो है वो आपको दे सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। अगर पहले से जो है स्थिति तनावपूर्ण है पति पत्नी के बीच में, तो ये केतु सेपरेशन भी देने में केपेबल है। माने ये ट्रांजिट जो है वो डिवोर्स देने के लिए भी केपेबल है, अगर पहले से स्थिति तनावपूर्ण है। और अगर पहले से स्थिति तनावपूर्ण नहीं है तो ये टाइम पीरियड पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जो है वो आने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि वर्गो आफ्टर ऑल मरकरी की राशि, और मरकरी क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है। तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि वो कम्युनिकेशन गैप ना आए आपके और आपके स्पाउस के बीच में, अदरवाइज थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। एक आप कह सकते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उसके अलावा देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, केतु जब आपके 7th हाउस में जाता है तो राहु क्या है, देखिए राहु ट्रबल है, और केतु क्या है, केतु आपका सेल्फ रिफ्यूज है। मतलब सेल्फ रिफ्यूज भी नहीं, केतु आपका रिफ्यूज है, मतलब जहां पे आप पनाह ढूंढते हैं। राहु क्या है, वो आपको परेशान करता, मतलब कर देता है मेंटली हो या इस तरीके से। जब आप राहु से, क्योंकि देखिए राहु डिजायर है, एंडलेस डिजायर है। जब आप भाई एक पूरी हुई, दूसरी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, तो एक टाइम के बाद आके आदमी को लगता है कि अब जो है मतलब मैं बहुत थक गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं मेंटली, मेरे को सुकून चाहिए। तो वो सुकून के लिए किधर जाता है, वो जाता है केतु की तरफ। तो केतु आपके 7th हाउस में आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम से आप रिफ्यूज कहाँ ढूंढोगे, अपने स्पाउस में ढूंढोगे। आपका स्पाउस जो है ये टाइम पे आपको बहुत ज्यादा इमोशनली और मॉरली सपोर्ट करेगा, हर तरीके से सपोर्ट करेगा। लेकिन मैंने आपको फिर बोला कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। तो ये चीज का आप ध्यान दीजिए, और आपका स्पाउस जो है वो आपके लिए ये 18 महीने एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, अगर मैं बोलूँ तो, काम करेंगे। और क्योंकि भाई वर्गो जो है वो स्पीच का ही साइन है, कम्युनिकेशन का साइन है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। लेकिन ये टाइम पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वाइफ या हस्बैंड की स्पीच थोड़ी सी हार्श या रूड हो सकती है, क्योंकि केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज पे आप एडजस्ट कर लीजिए कि अगर हो सकता है कभी कभी मूड नहीं अच्छा है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा आप उस चीज को तूल मत दीजिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है तबीयत ठीक ना हो या मूड खराब हो। तो थोड़ा सा चीजों को आप अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करिए, अदरवाइज ये ट्रांसिट जो है पाइसी असेंडेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत खराब या प्रॉब्लमैटिक है। उसके अलावा देखिए केतु क्या है, केतु बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने का कारक है। एकदम स्क्रैच से जब लोग शुरू करते हैं ना, कि एक ठेले से या एक छोटे साइकिल से उन्होंने बिजनेस शुरू करा और फिर जो है बहुत अच्छा आगे बढ़ गए, तो 7th हाउस क्योंकि व्यापार का घर भी है, 7th हाउस जो है उसमें जब केतु आते हैं तो केतु माइक्रो चीजों को बताते हैं, छोटी चीजों को बताते हैं। तो अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाह रहे थे, सोच रहे थे इसके बारे में, आप प्लान कर रहे थे, तो ये टाइम जो है आप वो चीज करेंगे और करने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं कि आप ये टाइम पे अगर आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए, रास्ता थोड़ा आसान रहेगा आगे बढ़ने के लिए। और आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। ये स्टार्टअप जो है उसको प्रॉपरली जो है ग्रो कराने में वो आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये ट्रांजिट जो है वो
अच्छा ही है अगर मैं बात करूं 70%। अदरवाइज देखिए, मैं नेगेटिव चीजों की बात करूं तो राहु लग्न में आपको माइग्रेन, हेडेक्स, इन सब चीजों की प्रॉब्लम रह सकती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा देखिए, हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब केतु आपके अष्टम में आते हैं, केतु आपके सप्तम में आते हैं, राहु आपके लग्न में आते हैं, तो ये टाइम पीरियड पे आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ जाता है। देखिए राहु केतु जो है 1 और 7 एक्सेस 2 या 8 एक्सेस 6 और 12 एक्सेस में आकर आपका इंट्यूशन बहुत हाइटन कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब राहु आपके लग्न में आते हैं तो आपको लोगों को देखकर, सिर्फ आपने उनको देखा, थोड़ा सा हाय हेलो या एक आध बात करने पे ही आपको ये चीज का आइडिया लग जाता है कि सामने वाला जो है उसका इंटेंशन क्या है, वो किस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है। मतलब एक तरीके से आप लोगों को रीड करना जो है वो आप बहुत अच्छे से इन 18 महीनों में ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। और जिनका नेटल राहु होता है वो तो ये गुण लेके ही पैदा होते हैं कि सिर्फ लोगों को कुछ देर देख के ही वो उनको पूरा आइडिया हो जाता है कि इसका इंटेंशन कैसा है या क्या है। अब देखिए राहु सारे जब समुद्र मंथन था हुआ जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद जब अमृत बांटने के लिए जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया तो वो इतने सुंदर थे कि सारे जितने भी जो दानव थे वो उनका रूप देख के इतना रीझ गए कि उनको ये भी समझ में नहीं आया कि हम अमृत पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं। जबकि सिर्फ एक ही ऐसा राक्षस था स्वयंभरु, जो इतना इंटेलिजेंट था कि वो बाहर की चीजों से भी, बाहर की ब्यूटी, बाहर की खूबसूरती, उससे भी वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि राहु जो है वो कितना इंटेलिजेंट प्लैनेट है, क्योंकि जब स्वयंभरु ने अमृत पी लिया तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में वो बैठे थे, तो उन्होंने सूर्य भगवान ने बोला भगवान विष्णु को, तो उन्होंने उनका गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दिया। इसीलिए राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और उनको ग्रहण भी लगाते हैं। तो आप खुद देखिए कि ये कथा से हमको यही चीज समझ में आती है कि राहु बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है। आपको आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक अलग सा वो पैदा कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं सामने वाला ना चाहते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा जिन लोगों का राहु लग्न में होता है। तो अभी आने वाले 18 महीने आप देखिए कि कितने लोग जो है वो आपसे आके जुड़ेंगे ये 18 महीनों में। और सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चार्म डेवलप होने वाला है और आप उसके ऊपर काम भी करोगे। जैसा मैंने बोला राहु लग्न में, तो आप अपने डेवलपमेंट, अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करोगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है इंडिविजुअल एक एक प्लैनेट को लेके बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सुझाव हैं वो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।